नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज मार्च 23 बुधवार 2022 है। अब ये बाजार है कि मानता ही नहीं। आज माहौल बिल्कुल सही था अच्छी तेजी के लिए। कल हम बड़ी डिप से ऊपर की तरफ भागे थे, हाईज पर क्लोज किया था। रात में अमरीकी बाजार अच्छी तेजी में बंद हुए। अमेरिका में 3-4 दिनों से लगभग रोज तेजी चल रही थी, तो आज एक डिप से निकलकर हमारे पास सब तरह का साधन था और ऊपर जाने का। लेकिन बाजार है, हमारे कहने से तो चलता नहीं है। सुबह की गैप अप के बाद बाजार का रुख तो बन गया, लेकिन पूरा पूरा रुख दिन भर वो नीचे का था। आप समझिए कि हमको ये कैसे समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब पहले 15 मिनट के बाद जो हाई बना था 15 मिनट का, बाजार उसको तोड़ ही नहीं रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, निफ्टी क्या कर रहा था, अपने 15 मिनट के लो को तोड़कर नीचे आने लगा। ये पहला संकेत था कि वो जो हम तेजी सोच रहे थे ना कि भागता जाएगा ऊपर, वो होने वाला नहीं है ना। और हुआ यही कि बाजार थोड़ा चौपी जरूर रहा, पर ऊपर नीचे करता हुआ दिन भर नीचे गया और अपने न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। अब तमाशा देखिए, कल बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ था, आज वही मार्केट और बिना किसी बदलाव के अपने न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। अब इसका मतलब ये है कि बाजार में संशय का वातावरण आ गया है। जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो अब तक तेजी में थे, 15600 से उन्होंने निफ्टी को 17400 कुछ ही दिनों में, अल्प समय में पहुंचा दिया। लेकिन अब यहाँ आकर उनके मन में संशय हो रहा है कि अब बाजार कहाँ जाएगा, उनको भी अब तय नहीं है, वो अपना रुपया लगाने को तैयार नहीं है। तभी ये मार्केट रैंडम हो गया, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ये बात आज समझ में आने लगी। अब माहौल बदला तो नहीं है, लेकिन माहौल बदल सकता है, उसके आसार दिखने लगे हैं। हो सकता है ना हो सकता है कल परसों हम वापस तेजी में आ जाए। आज के दिन तो ये है कि हल्के आसार है कि शायद हम इस तेजी को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाएंगे, वापस मंदी में जाएंगे, ये सब कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तेजी पूरी हुई नहीं है, केवल आसार और संकेत दिख रहे हैं, वो भी बहुत होते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? कल के लिए कई दिनों बाद हम है ना अपना रुख खुला रख रहे हैं, खुला मन रख रहे हैं। अगर हमको बाजार सुबह मंदी का वातावरण दिखाएगा तो कल हम शॉर्ट करेंगे, अगर वो तेजी का वातावरण दिखाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे। दोनों नहीं करेंगे, आप ये बात, ये जब हम की बात करता हूँ मैं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक दिन में मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर नहीं सकता हूँ, मैंने आपको समझाया था, दिमाग है ना घूम जाता है। आधी घंटा पहले हम मंदी में थे, आधी घंटा बाद हम तेजी में, अब हम वापस मंदी में चले गए, अरे अरे ये कैंडल्स बनने लगे, वापस तेजी में आ जाओ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ और ये व्यापारियों को करना भी नहीं चाहिए। अगर कल, मान लीजिए कल मंदी का रुख सुबह हमने बनाया और बाजार में मंदी नहीं आई, तो क्या हुआ? हमको वो तेजी नहीं मिलेगी। लेकिन कम से कम डिसिप्लिन से, हम अनुशासन से ट्रेडिंग तो करेंगे। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि बाजार में मंदी या तेजी का रुख है? इसके दो तरीके हैं। एक तो निफ्टी पिछले 4 दिन से ना थोड़ा ऊपर और नीचे तो कर रहा है, लेकिन एक ट्रेडिंग रेंज है जिसमें निफ्टी हर रोज प्रवेश करता है, वो रेंज है 17200 नीचे में और 17350 ऊपर में। इस 150 अंकों के रेंज में निफ्टी 4 दिनों से रोज इस रेंज के अंदर प्रवेश करता है, इस बक्से के अंदर, आप ऐसे समझ लें। तो ये सपोर्ट हो गया 17200 का और 17350 का रेजिस्टेंस हो गया। अगर कल बाजार 17200 के नीचे खुलता है तो पहला संकेत मिला कि शायद हम इंट्राडे मंदी में जा रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि संकेत ये मिला कि मैं अब मंदी में हूँ, कल के लिए सिर्फ, इन ओनली इंट्राडे। फिर 15 मिनट का लो अगर टूटने लगता है तो वो संकेत और कन्फर्म हो जाते हैं। वैसे शॉर्ट सेलिंग में ना हमेशा थोड़ी दिक्कत रहती है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि कल बाजार 17350 को तोड़ के ऊपर जाएगा। हो सकता है वो 15 मिनट के हाईज को लेके ऊपर चला जाए, पर फिर वहाँ चौपी भी हो सकता है। तो कल थोड़ा रुख तो मिल सकता है, लेकिन अभी थोड़ा संशय है। अगर मंदी का रुख मिलेगा शायद वो ईजियर होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल क्या रुख बनता है, बाजार में कैसे रुख परिवर्तन हो रहा है, इसकी बात करी है। मैं सही हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ यही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।